जनसंख्या के जानकारों के अनुसार सन 2042 तक अमेरिका की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पूर्वज गोरे अमेरिकी नहीं बल्कि लतीनो, अफ्रीकी या एशियाई मूल के होंगे। केनिया से आए पिता और गोरी अमेरिकी माता से जन्मे बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना अमेरिकी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यह अमेरिकी समाज में बढ़ती विविधता और अलग अलग संस्कृतियों के एक साथ आने का सबूत है। न्यूयॉर्क शहर सही मायने में अप्रवासी लोगों का शहर है। यहाँ मौजूद है दुनिया की हर संस्कृति, हर देश से आए लोग। न्यूयॉर्क के अप्रवासी लोगों में नई उम्मीदें जाग उठी हैं। न्यूयॉर्क के न्यू कॉमर्स हाई स्कूल के एक क्लास के छात्र दक्षिण अफ्रीका में पल बढ़ रहे एक व्यक्ति की आत्मकथा के एक चरण को नाटकीय रूप में पेश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके की ये पाठशाला अप्रवासी लोगों को पढ़ाने वाली 12 पाठशालाओं में से एक है। यहाँ चीन, नेपाल, बांग्लादेश, कोलंबिया जैसे देशों से आए छात्र शामिल हैं। इनमें से कई ओबामा के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने को लेकर बेहद खुश हैं, क्योंकि ये घटना उनके नए घर यानी अमेरिका और उनकी अपनी जिंदगी को प्रभावित करती है। Which is really groundbreaking. As a black man, again, I can have more chance and I dedicated to be someone or something important in the United States. And also, I was thinking of maybe the Asian American can be the president. इस पाठशाला से थोड़ी दूरी पर कोलंबिया में जन्मी नोरा चावेज मेक द रोड नामक सामाजिक संस्था के लिए काम करती है। ये संस्था लतीनो मूल के अप्रवासी लोगों के लिए काम करती है। नोरा कहती है कि ओबामा के जीत के बाद अब उन्होंने यहाँ बसने का फैसला किया है। I decided to stay in the United States because he won. I was really doubtful about what was going to happen because my children, they were born here. They are US citizens, but they are Latinos. अब नोरा चावेस का कहना है कि वो अच्छा महसूस करती है। That immigrants have a chance to really build America and to build dignifying lives in this country. Quite frankly, we are an immigrant country. I mean, other than the native Indians, everyone is an immigrant. ब्रुकलिन इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के अप्रवासी मोहम्मद रिजवी दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए काम करते हैं। उनके 5 बच्चे अमेरिका में पल बढ़ रहे हैं। I have 5 kids and I explained to them, you know, look how great of a change and now it actually America is what it's supposed to be. It's a great feeling that one day perhaps they can also be elected as president. वहीं एक चीनी छात्र का मानना है कि अगर अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है तो वो अमेरिका के इतिहास को बदल सकता है। He took the money from the war and put in the education. This election was all of, it's all about all the people, not just white or African Americans, but immigrants as well. And like when he said that we are not red state, blue state, we are United States, that makes me feel very courage about him. And I feel like really he's the one who can unite all of us. निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा अमेरिका के पहले द्विवंशीय राष्ट्रपति हैं, साथ ही पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके पिता अफ्रीका से थे और मुस्लिम थे। अमेरिका में रह रहे कई अप्रवासियों के लिए श्री ओबामा की कहानी पहली ऐसी कहानी है जो उनकी अपनी कहानी से मिलती जुलती है।